हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द फेवरेट स्टॉक में। जय हिंद। और आज हम बात करने वाले हैं HFCL के बारे में। कई दिनों के बाद दोस्तों यहां पर हमें अपसाइड देखने के लिए मिली है, और उसके पीछे दोस्तों जो रीज़न है, जो अपडेट यहां पर कंपनी ने प्रोवाइड किया है, उसकी वजह से दोस्तों हमें ये अपसाइड देखने के लिए मिली है। तो क्या अपडेट है, क्या यहां पर न्यूज़ चल रही है, ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही में अभी हमें यहां पर क्या करना चाहिए, ये भी दोस्तों हम दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियोस लाता रहता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मनी कंट्रोल की साइट के ऊपर हम चलते हैं। अभी के टाइम पर दोस्तों ये जो स्टॉक है वो 72.70 रुपये पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तकरीबन 3% की दोस्तों यहाँ पर आज हमको तेजी देखने के लिए मिली। थोड़ा सा नीचे आएंगे और वॉल्यूम को देखेंगे तो देखें तकरीबन दोस्तों आज यहाँ पर 20 लाख का वॉल्यूम जनरेट हुआ। लास्ट वीक में तकरीबन दोस्तों यहाँ पर 15 लाख का वॉल्यूम जनरेट हो रहा था, उससे ज़्यादा ही आज के दिन यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट हुआ है। और दोस्तों कम्युनिटी सेंटीमेंट भी अगर आप देखेंगे तो 84% लोग यहाँ पर बाइंग करना चाहते हैं, जबकि 7% लोग दोस्तों यहाँ पर होल्ड करना चाहते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं BSE की साइट के ऊपर और वहाँ पर कंपनी ने क्या अनाउंसमेंट किया है उसे दोस्तों हम देख लेते हैं। दोस्तों जैसे ही आप अनाउंसमेंट वाले सेक्शन पर जाएंगे तो देखें 28 तारीख को दोस्तों यहाँ पर आपको अनाउंसमेंट दिखाई देगी। और दोस्तों साथ ही में अगर आप इसके राइट हैंड साइड पर चेक करेंगे तो इसका जो फाइनेंशियल ट्रेंड है वो आउटस्टैंडिंग आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि अभी के टाइम पर यहाँ पर बाइंग करने का सटीक समय है। इस वाले अपडेट पर क्लिक कीजिएगा जो कि 28 तारीख को आया हुआ है, तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस पीडीएफ वाले साइन पर क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें दोस्तों लिखा हुआ है जो इन्फोमेरिक वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड है उसने जो है दोस्तों यहाँ पर HFCL में अपनी रेटिंग को इंक्रीज किया है, अपनी रेटिंग को दोस्तों यहाँ पर दिखाया है। और क्या रेटिंग दिया है चलिए वो भी देख लेते हैं। तो देखें अगर आप तो लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटी की अगर हम बात करें जो कि टर्म लोन्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर IVR स्टेबल रखा है दोस्तों, और उसका जो आउटलुक है वो अगर आप देखें तो स्टेबल है। इसके साथ ही में दोस्तों अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म बैंक फैसिलिटी जो कि कैश क्रेडिट से रिलेटेड होती है, वहाँ पर भी दोस्तों IVR स्टेबल ही है, सेम यहाँ पर दोस्तों रेटिंग प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म बैंक फैसिलिटी में जो LC और BGs होते हैं उसमें IVR A1 रेटिंग को दोस्तों प्रोवाइड किया गया, जो कि एक अच्छी रेटिंग मानी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों कंपनी ने केयर रेटिंग लिमिटेड है उसके द्वारा जो रेटिंग दी गई है उसे भी यहाँ पर दोस्तों दिखाया हुआ है। केयर रेटिंग जो है उन्होंने अपनी जो रेटिंग यहाँ पर प्रोवाइड की थी उसे बरकरार रखा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटी के अंदर KRA नेगेटिव है और इस चीज़ को चेंज नहीं किया गया, इसे रिफॉर्म्ड दोस्तों रखा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म बैंक फैसिलिटी तो यहाँ पर KRA2 है, इसे भी रिफॉर्म्ड रखा गया है, मतलब चेंजेस कुछ भी यहाँ पर नहीं किए गए हैं। सेम दोस्तों आपको नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जो है उसको भी दोस्तों रिफॉर्म्ड दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों ये भी क्रेडिट रेटिंग है की वजह से दोस्तों आज हमको इस स्टॉक में जबरदस्त तेजी नजर आई। अब देखिए ना पिछले कई दिनों से यहाँ पर आपको गिरावट दिखाई दे रही थी, तकरीबन दोस्तों अगर आप देखें 15 तारीख से दोस्तों यहाँ पर हमें गिरावट देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन आज के दिन दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें एक अच्छी खासी तेजी नजर आई। और दोस्तों उम्मीदें भी यही लगाई जा रही हैं कि अब इस अपडेट के बाद में यहाँ पर हमें एटलीस्ट 85-90 के लेवल भी दिखाई दे सकते हैं। अपडेट काफ़ी दोस्तों अच्छी दिखाई पड़ रही है। और अगर आप देखें भी तो इसका जो रिसेंट टाइम का वाला जो हाई है, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, वो तकरीबन 81 का है। और जैसे दोस्तों इसे क्रॉस करेगा ये तो फिर यहाँ से एक नई अपसाइड आपको देखने के लिए मिलेगी। और दोस्तों इसके बाद फिर जो अगला टारगेट इसका होगा वो तकरीबन दोस्तों होगा 93-94 के आसपास का। किस तरीके से दोस्तों स्टॉक ही परफॉर्म करता है, खबर बड़ी अच्छी है और उम्मीदें ये लगाई जा रही है कि आगे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक अच्छी खासी अपसाइड देखने के लिए मिलेगी। क्या दोस्तों आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहते हैं? अगर हाँ तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, पसंद आए डिसलाइक भी कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। जय हिंद।